आज मेरे को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रचारकों को मर्यादा में रहने की नसीहत। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का संज्ञान लिया। आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। साथ ही कहा, यह पार्टी अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे स्टार प्रचारकों से मर्यादा में भाषण देने को कहें और उनके बयानों की जिम्मेदारी लें। चारधाम और हेमकुंड का सुरक्षा ऑडिट होगा। तो 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले चारों धामों और हेमकुंड साहिब का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा ताकि सुरक्षा से कोई चूक ना रहे। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। अपना हक बचाने के लिए मुझे 400 सीटें दें। तो लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक और उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं की। मोदी ने आगरा में कहा कि आपका हक कोई छीन ना ले, इसलिए मुझे 400 सीटों की ज़रूरत है। खड़गे ने घोषणा पत्र समझाने को पीएम से पुनः वक्त मांगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करने के लिए वक्त मांगा है। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके सलाहकार आपको उन चीज़ों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे घोषणा पत्र में लिखी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो गलत हो। प्रधानाचार्य की कार से मासूम छात्रा कुचली। तो कोटाबाग से खबर आई है। क्षेत्र के ग्राम दोनिया में गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की कार की टक्कर से एलकेजी की 5 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। मार्केटिंग इंस्पेक्टर 50,000 रिश्वत लेते दबोचा। तो बाजपुर से खबर आई है। विजिलेंस टीम ने गुरुवार को राइस मिलर से 50,000 की रिश्वत लेते हुए एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। दूसरा चरण कई दिग्गजों का भाग्य आज तय होगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 12 प्रदेश और एक केंद्रशासित राज्य की 88 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले इस चरण में 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। यहां अब तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। युवाओं का दिल कमज़ोर कर रही स्क्रीन। तो तनाव, स्क्रीन पर घंटों काम और बाहर के खान पान से युवाओं का दिल कमज़ोर हो रहा है। 30 से 40 वर्ष के युवाओं में बुजुर्गों वाली दिल की बीमारी हो रही है। इस मानसून ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान उत्तराखंड में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए राज्य के सभी विभागों को अलर्ट रहने के साथ ही तैयारियाँ पूरी करने को कहा है। केस से जुड़े अपडेट सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर भेजेगा। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संदेशों पर वकीलों को वाद सूची के साथ नए मामले दाखिल होने व सूचीबद्ध करने से संबंधित जानकारी साझा करेगा। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य की ली शपथ। अभिव्यक्ति की आज़ादी व जिम्मेदारी की भावना में हो संतुलन। अमेरिकी विश्वविद्यालय में गाजा के समर्थक में हो रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती पर भारत ने दी नसीहत। मोदी और राहुल के बयानों पर आयोग का नोटिस, नफरत फैलाने का आरोप लगा। पटना के होटल में भीषण आग, 6 लोगों की मौत हो गई। यात्रा मार्ग पर क्षमता के मुताबिक ही चलें खच्चर। तो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्ग पर चलने वाले खच्चरों की गिनती होगी। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कितने खच्चर चलने की अनुमति दी जा सकती है, इसके लिए भी यात्रा मार्ग पर एक क्षमता आकलन होगा। एनजीटी के आदेश पर सरकार क्षमता का आकलन करेगी। विपणन अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा। तो बाजपुर से खबर है। सिकंजा मिल संचालक से बिल बनाने के लिए ले रहा था रुपये। आम चुनाव दूसरा चरण आज, 28 सीटों पर मतदान। हाईकोर्ट पहुंचा रामपुर तिराहा कांड, फैसले का रिकॉर्ड तलब। तो पीएससी के 2 सिपाहियों को उम्र पे कैद की सजा
को दे सक दे दी गई है चुनौती। श्रद्धालुओं का उत्साह देख चार धाम यात्रा व्यवस्था में बदलाव किया गया। इंदिरा की संपत्ति पाने के लिए राजीव ने बदला था विरासत कानून। जंगलों में बेकाबू हुई आग दो झुलसे तो उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पहुंचा भारी नुकसान। निगम ने 130 बसों की खरीद के लिए ऑर्डर किया जारी। तो राज्य के पर्वतीय मार्गों पर रोडवेज का सफ़र और सुहाना होने जा रहा है। परिवहन निगम 130 नई बसें खरीद रहा है जिनकी आवक जून माह में शुरू हो जाएगी। वन निगम कर्मचारियों ने मांगा स्थायी प्रबंध निदेशक। वन विभाग को जल्द मिलेगा नया मुखिया। डीपीसी हुई पूरी। रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण की राह जल्द हो सकती है आसान। तो व्यवहारिक दिक्कतों का समाधान हुआ तो आ सकती है नई नामी कंपनियां। 24 घंटे में 54 जगह जंगलों में भड़की आग। पॉली हाउस के लिए 3000 आवेदन हुए प्राप्त। तो बेमौसमी सब्जी पुष्प उत्पादन के लिए प्रदेश भर से 3000 किसान पॉली हाउस लगाने के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने से आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया रुकी हुई है। बिना सूचना के स्कूल किया बंद, प्रधानाध्यापक निलंबित। तो पौड़ी से खबर ये, ब्लॉक पौड़ी के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बिना किसी सूचना व कारण के स्कूल बंद रखा। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नागेंद्र वर्तवाल ने प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बीओ कार्यालय से संबंध कर दिया। प्रशिक्षण में शराब पीकर हंगामा करने वाला शिक्षक निलंबित। तो लोकसभा चुनाव की प्रशिक्षण कार्यशाला में शराब के नशे में हंगामा करने पर गुरुजी को भारी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देवीस्वर्ण आर्च ब्रिज पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई। चारधाम स्थल का सुरक्षा ऑडिट होगा। एंटी सबोटाज से चेकिंग की जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा तोड़ देगी पिछले वर्ष का रिकॉर्ड। तो गेस्ट हाउस और होटलों की बुकिंग तेज हो गई है। बद्री विशाल के अभिषेक के लिए पिरोया गया तिलों का तेल। तरसेम हत्याकांड का आरोपी सर्वजीत सिंह भगोड़ा घोषित हुआ। कार की चपेट में आने से मौत तो काला डूंगी से खबर है। तेंदुए से संघर्ष कर महिला ने बचाई खुद की जान। भट्ट ने राज्यसभा सदस्य की ली शपथ। फर्जी दस्तावेज बना परीक्षा में शामिल होने का आरोपी पकड़ा। तो एसएसबी भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेज में शामिल होने के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 500 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ तस्कर को दबोचा। तो कलियर पुलिस ने 500 प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। निकाह से पहले मांगी 10 बीघा जमीन, दुल्हन ने साथ जाने से किया इनकार। तो निकाह पढ़ने से पहले ही दूल्हे ने दुल्हन के परिजनों से दहेज में 10 बीघा जमीन की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर निकाह से इनकार कर दिया। यह सुनते ही दुल्हन के परिजन भड़क गए। ग्रामीणों ने दूल्हे के परिवार को घेर लिया। मामला बिगड़ता देख किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे मामला शांत कराया। बेलम्बाय ने जीता स्वर्ण जयंती बास्केटबॉल टूर्नामेंट। अथर्व कुमार और हर्षवर्धन ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इग्नू की परीक्षाएं 7 जून से 13 जुलाई तक चलेंगी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 7 जून से शुरू होंगी और 13 जुलाई को संपन्न होंगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र 25 मई तक विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रोल बॉल में उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को हराया। समर स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। चारधाम यात्रा एआरटीओ में बन रहे हैं वाहनों के ग्रीन कार्ड। 15 केंद्रों पर होगी आयोग की परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से आयोजित होने वाली प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग की लिखित परीक्षाएं 27, 28 और 29 अप्रैल को होंगी। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिले में डुंडा व भटवाड़ी तहसील परिक्षेत्र में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भगवानपुर में शोभा यात्रा में गूंजे श्री राम और हनुमान की जयकारे। रुड़की में अकेली बुजुर्ग महिला के घर में लगी आग। औचक निरीक्षण में नदारद शिक्षक को निलंबित किया। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करें छात्र। गोमुख तपोवन ट्रैक के लिए 60 पर्यटक रवाना हुए। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 54 जगह जंगल जले। दीक्षांत समारोह में 438 छात्रों को मिलेंगी डिग्रियाँ।
आवेदन के लिए आयोग ने भेजे लिंक तो राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य समिति विभागीय परीक्षा 2024 के सापेक्ष में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष याचिकाकर्ताओं को आवेदन के लिए लिंक भेजा है। याचिकाकर्ताओं को उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए लिंक पर 20 अप्रैल से 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बाजपुर में रिश्वत लेते मार्केटिंग इंस्पेक्टर धरा गया। GIC चौड़ा नूली में प्रवक्ताओं के 4 पद रिक्त, तो प्रवक्ता ना होने से 100 से अधिक विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा अर्थशास्त्र का ज्ञान। तो लमगढ़ा विकास खंड के अंतर्गत GIC चौड़ा आनुली प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा है। प्रवक्ता ना होने से 100 से अधिक विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय का ज्ञान नहीं मिल रहा। GIC में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं। इसके सापेक्ष अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, संस्कृत विषय के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। अर्थशास्त्र के प्रवक्ता न होने से विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं मिल रहा है। खासकर इंटर के छात्रियों को अधिक दिक्कतें हो रही हैं। प्रवक्ताओं की कमी से कोर्स समय पर पूरा करना भी चुनौती बना हुआ है। जागेश्वर धाम में 1 मई से होगी रामलीला की तालीम। चालकों की कमी से 5 बसें वर्कशॉप के आगे नहीं बढ़ी। जेई मेंस में चमके धर्मनगरी के होनहार। तो जेई मेंस 2024 सेशन सेकंड की अप्रैल माह में आयोजित परीक्षा का रिजल्ट बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। RTE निजी स्कूलों को 10 करोड़ का बजट जारी। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत मिलेगा बच्चों को प्रवेश। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE के तहत जिले के निजी स्कूलों में वर्ष 2023-24 सत्र में शिक्षा ग्रहण कर चुके छात्राओं के पठन पाठन का बजट शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। कार्बन पद चिन्ह जलवायु परिवर्तन पर की गई चर्चा। 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। तो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद के लिए 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय पर लोक सेवा आयोग ने यह आदेश दिया है। सैकड़ों युवाओं ने दी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर के रुड़की में प्रदेश भर में सैकड़ों युवा पहुंचे। यहां कई स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था। पैराग्लाइडिंग में हिमाचल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 506 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मेल कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती, तो 66 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यकारी प्रशिक्षकों के 400 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के 57 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। महाप्रबंधक उप प्रबंधक के 22 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है करंट। तो नए वित्तीय वर्ष में बिजली टैरिफ की घोषणा, इसी सप्ताह 10% के आसपास हो सकती है वृद्धि। मास्टर प्लान 2041 की 50 से अधिक आपत्तियों का होगा सर्वे। बंजारावाला में 20,000 की आबादी को 6 माह और झेलनी पड़ेगी परेशानी। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों पर सिस्टम मेहरबान हुआ। रेडीमेड गारमेंट शोरूम में पेट्रोल डाल लगाई आग। तो देहरादून से खबर है, पल्टन बाजार में शहर कोतवाली से चंद कदम दूर अज्ञात व्यक्ति ने रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में पेट्रोल डालकर जला दिया। आग लगने से दुकानों में रखे कपड़े, जूते, AC, पंखे व नकदी जलकर राख हो गए। CCTV फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, किसी व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर लगाई है। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। बेकरी का लाइसेंस निलंबित, 16 पाउंड केक किया गया नष्ट। तो देहरादून से खबर है, जिस बर्थडे केक को खाने के बाद 4 व्यक्तियों की तबीयत बिगड़ गई और एक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे बनाने वाली बेकरी पर आखिरकार शिकंजा कस दिया गया। दून में चटक धूप और गर्म हवाएं कर सकती हैं बेहाल। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पेयजल संकट बना हुआ है। पंजीकृत टैंकर ही STP में खाली कर सकेंगे सीवेज। किताब घर मसूरी में बस काउंटर बंद करने का विरोध किया। घरों में गैस सिलेंडर ब्लास्ट को रोकेगा फायरवॉल।
स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी मिली या तो तीन अफसरों को जाएगा काल, तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया अधिकारी। जीपीएस से होगी पेयजल टैंकरों की निगरानी, नैनी झील का जल स्तर गिरकर 2.7 फीट पर पहुंचा। घर बनाने वाहन धोने में पानी के इस्तेमाल पर रोक, तो नैनीताल हल्द्वानी से खबर आई है, डीएम ने सख्ती से पालन के आदेश जारी किए, छत पर रहे टैंक से पानी गिरता पाए जाने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। हल्द्वानी नैनीताल में जल संकट पर अफसरों को घेरा। गेहूं की जमाखोरी रोकने आको फ्लोर मिलों में छापा मारा, एक्सपायर मसाले से खाना बनाते पकड़ा, तो हल्द्वानी से खबर है, रामपुर रोड के रेस्टोरेंट और मुखानी क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा की छापेमारी की। निर्णय, डायवर्जन पॉइंट में 500 और 200 मीटर पहले लगेगा संकेत बोर्ड। रुड़की के बड़े हिस्से का जल संकट दूर हुआ, चार ट्रेनें रद्द, बाकी 3 से 11 घंटे तक लेट हुई, तो लक्सर से खबर आई है, कार और ट्रक की टक्कर से बच्चों सहित 5 घायल हो गए, तो मंगलोर से खबर आई है। वहीं खबर है, मंगलोर से दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई, युवक की मौत पर सीओ ने दिया कार्रवाई का स्वास्थ्य। सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया, टक्कर लगने पर युवक को पीटा। अपहरण में 2 दोषियों को 3-3 साल की सजा हुई, तो नाबालिग के अपहरण में 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कारावास की सजा सुनाई। गर्मी बढ़ते ही प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी घटा, अनुसूचित जाति के बच्चों को मिले एटीएस में प्रवेश, चक्राता कैंट के नज़दीक का जंगल धधका। देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार, तो विकास नगर से खबर रही है, पूर्व सैनिकों ने एक घर से शराब पकड़वाई, तो सिला कोई से खबर आई है, नए क्षेत्रों में 25 लाख का टैक्स वसूला, तहसील में पटवारियों की कमी के कारण अटक रहे हैं लोगों के काम, तो विकास नगर से खबर आई है, किसानों को कम दामों पर बेचनी पड़ रही नकदी फसलें। बाल आयोग ने किया निजी स्कूल का औचक निरीक्षण, कटा पत्थर में किशोर की यमुना में डूबने से मौत, कटा पत्थर में यमुना में डूबने से किशोर की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने मना कर दिया। हमला करने वालों पर मुकदमा, तो शिवाजी नगर में रहने वाले एक युवक ने अपनी माँ बाप के साथ मिलकर गाय पर कई वार कर दिए, एक गाय को ईंटों से वार कर उसकी कमर तोड़ दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामला ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र का है। कमरे में घुसकर की छेड़छाड़ की कोशिश, तो जोगीवाला क्षेत्र में किराए पर रहने वाली युवती के कमरे में मनचले ने घुसकर छेड़छाड़ की कोशिश की, घटना 22 अप्रैल की रात की है, अनजान युवक ने छेड़छाड़ करते हुए गलत हरकत करने की कोशिश की, युवती के चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गया। शादी से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, तो विकास नगर से खबर आई है, घड़ता गाँव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद हरिद्वार लौट रहे एक युवक की मोटरसाइकिल बाढ़ वाला जुड्डो मार्ग पर अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में मोटर सवार युवक की मौत हो गई। त्यूनी में पार्किंग स्थल न होने से लग रहा जाम, देहरादून में बेकरियों पर छापा, खराब केक फेंके गए। पौड़ी जिले में आरक्षित वन क्षेत्रों में धधकी आग, रुद्रप्रयाग के भाणाधार में घर में आग से सामान राख हुआ, भर्ती परीक्षा में एक और आरोपी धरा गया। गोमुख के लिए 60 पर्यटक रवाना हुए, औचक निरीक्षण में नदारा शिक्षक को निलंबित किया। चारधाम 11 दिन में 15 लाख पंजीकरण, तो जीएमवीएन को 8 करोड़ की बुकिंग हुई। केदारनाथ धाम में अनियोजित निर्माण कार्य का विरोध किया, हेमकुंड पर बर्फ काट रास्ता बनाया, यात्रियों की संख्या सीमित करना गलत, उत्तराखंड की आवाज़ को राज्यसभा में उठाऊंगा, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली, राज्यपाल को दिया हेमकुंड साहिब यात्रा का निमंत्रण, इस साल आचार संहिता से पीछा नहीं छूट पाएगा, तो साल 2024 उत्तराखंड में आचार संहिता के नाम पर रहने वाला है, अभी जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रहेगी, इसके बाद जून में ही निकाय चुनाव की भी आचार संहिता लागू हो सकती है, जबकि सितंबर तक 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और फिर नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं, इससे राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
विधायक के भाई पर केस से चढ़ा सियासी पारा। देघाट में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया गया। छात्राओं को एसएसबी में जाने की दी प्रेरणा। महिला थाने में सिपाही को पीटा, वर्दी फाड़ी। शिक्षकों का समायोजन नियुक्ति लटकी, तो एसएचजे विश्वविद्यालय में लोकसभा चुनावों के कारण शिक्षकों के समायोजन लटक गए हैं। दून में बढ़ती गर्मी के बीच गहराया पानी का संकट, पानी के दुरुपयोग पर कट जाएगा कनेक्शन। दून से पहाड़ तक जयंती पर याद आए भगुड़ा। नाबालिग के अपहरण में सजा मिली, आयोग ने स्कूल का औचक निरीक्षण लिया। कलियर में 500 प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ एक धरा गया। वनों को आग से बचाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रुड़की में बाइक सवार से नशे की शीशियां पकड़ी गई। रुड़की के खेत में ट्रैक्टर लेकर लौट रहे परिवार पर हमला किया, तो पुलिस ने 6 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अवैध खनन में 5 ट्रक सीज किए, तो लक्सर से खबर रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत के जंगल जले, नल सूखे। बैरीनाग में 4th दिन मिल रहा पानी, पीड़िता और बच्चों को देना होगा 12.21 लाख प्रतिकर। पिथौरागढ़ में पानी को डीएम से मिले, लोहाघाट और बाराकोट के जंगल रात भर धधके। मरीन बस्तियों के अवैध मकान ध्वस्त होंगे, टास्क फोर्स गठित की गई। दीक्षांत समारोह में 438 छात्रों को मिलेगी डिग्री। शर्मनाक जसपुर में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, तो जसपुर में एक युवक पर 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की बहन की शादी पास ही के गांव में हुई है। उसकी बहन के घर के सामने मनीष नाम के युवक का घर है। इसके चलते मनीष का उसकी बहन के साथ पीड़िता के घर भी आना जाना रहता है। बच्चे उसे मामा कहते हैं। आरोप है कि 23 अप्रैल को मनीष उनके गांव आया और शाम के समय उसकी 7 वर्षीय पुत्री को चीज दिलाने के बहाने एक बाग में ले गया। आरोप है कि मनीष ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। इग्नू की परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए, तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जून 2024 की सत्रांत परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि लेट फीस के साथ 25 मई तक बढ़ा दी है। हुए खबर, हल्द्वानी से सिपाही की पत्नी के बैग से जेवरात चोरी हुए। बाजपुर में रिश्वत लेता मार्केट इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। ट्रांसफर को कर्मचारियों की पात्रता सूची तैयार हुई, तो 4 आरटीओ, 9 आईआरटीओ और 26 टीटीओ ट्रांसफर के लिए पात्र हुए। शक्ति बस्तियों में अवैध मकान ध्वस्त होंगे, तो देहरादून से खबर आई है। दून में 11 मार्च 2016 के बाद बस्तियों में अवैध रूप से बने मकान चिन्हित करने को बनाई गई टास्क फोर्स। आज और कल बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में 2 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना है। तेज हवाएं भी 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। पलटन बाजार में पेट्रोल डालकर जला दी कपड़े की दुकान। युवती के कमरे में घुसकर छेड़खानी की कोशिश की। अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में मुकदमा दर्ज, तो देहरादून से खबर रही है। जेई मेंस में चमके अरिवल के विद्यार्थी। जेई मेंस में बलूनी क्लासेस के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। चारधाम यात्रा पर भारी पड़ेगा श्यामपुर का जाम। पार्टी छोड़ने वालों के लिए निकाय चुनाव में कांग्रेस के दरवाजे बंद हुए। केयर टेकर परिवार ने बुजुर्ग कर्नल से 4.20 लाख ठगे। अल्मोड़ा के कई विकास खंडों में गहराया जल संकट। बागेश्वर में कई इलाकों में 3 दिन से नहीं आया पानी। पोखरी गांव में दिन दहाड़े महिला पर झपटा गुलदार, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आवारा जानवरों और बंदरों से निजात दिलाएं। चलती में छत से गिरा अधेड़ गंभीर, तो टनकपुर से खबर रही है। प्राथमिक शिक्षकों के तबादले लटके, तो जिले के शिक्षकों का अनिवार्य स्थानांतरण होना है। इसमें शिक्षकों का दुर्गम से सुगम और सुगम से दुर्गम में स्थानांतरण होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने पोर्टल में रिक्तियों के अलावा अन्य कई जानकारी अभी तक अपलोड नहीं किया है। 50 गांवों में 400 से अधिक प्रमाण पत्र अटके, तो काशीपुर से खबर रही है।
पशु चिकित्सालय कर्मी पर दुराचार का आरोप लगा। युवक पर धादर हथियारों से हमला, तो दो सगे भाइयों ने धादर हथियारों से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। किच्छा में कोश्यारी ने किया पुस्तक का विमोचन। काशीपुर IIM का 27 को होगा दीक्षांत समारोह। जिला बार में दिवाकर अध्यक्ष सर्वेश सचिव बने। लंबे इंतजार के बाद आखिर खुल गया आरओबी, तो काशीपुर से खबर है। जसपुर से सटे साधकपुर के घर में घुसा गुलदार। ऑपरेशन के बाद युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चंपावत में बालेश्वर मंदिर और चाय बागान देखने पहुंचे पर्यटक। पूर्णागिरी में एक माह में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मलेरिया से बचाव के उपाय किए। पिथौरागढ़ में जरूरतमंदों के लिए RRR शुरू हुआ। टनकपुर बरेली के बीच दो ट्रेनें चलेंगी। आस्था नगर में बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा यात्रा रवाना हुई। लक्सर में कई लोगों को मिलेगा रोजगार। जोशीमठ में बद्रीनाथ यात्रा से पहले रामलीला मंचन होगा। रमाण देवरा में दिखा धर्म संस्कृति का संगम। दहेज मांगने पर दूल्हे समेत बारातियों को बनाया बंधक। महिला की मौत के मामले में ई रिक्शा चालक गिरफ्तार, तो अमरोहा से खबर आई है। शिवम अग्रवाल रहे उत्तराखंड के टॉपर। रेगुलेटर पुल पर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से कॉलेज में छात्रों को धनुर्विद्या सिखाई जाएगी। चारधाम हरिद्वार में चौपहिया वाहन चार्जिंग के लिए दो स्टेशन खुलेंगे। छात्र परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाए, तो CEO। लोकसभा चुनाव के चलते पिथौरागढ़ में पर्यटन कारोबार चौपट हुआ। अब निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू, तो पिथौरागढ़ के पांचों नगर पालिका के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के चिन्हीकरण को कमेटी बनी। SSJ परीक्षाओं का के रिजल्ट जारी, तो SSJ विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लुहाघाट में 125 किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। 21 बूथों पर महिला के 70% वोट, तो चंपावत से खबर रही है। पिथौरागढ़ नगर में 21 बूथों में 50% से कम वोटिंग रही। प्रधानाचार्य की कार से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर की तोड़फोड़, तो कोटाबाग से खबर है। फॉरेंसिक संयुक्त निदेशक के बेटे ने दिल्ली में दम तोड़ा। डिवाइडर से टकरा तेज रफ्तार कार पलटी। लोकसभा चुनाव मतगणना के लिए प्रत्येक कक्ष में लगेंगी 14-14 टेबल। RTE LKG UKG की कक्षाएं गोल कर बना रहे माल। रामनगर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में अब 15 कोच होंगे। आज से रामनगर से लखनऊ के लिए विशेष ट्रेन चलेगी। महिला प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को मिली राहत। अब इग्नू बागेश्वर में भी कराएगा शतांत परीक्षा। आज रिकॉर्ड हो सकता है सीजन का सबसे गर्म दिन, तो देहरादून से खबर रही है। उत्तराखंड में इस बार सामान्य से अधिक बरसेगा मानसून, तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश। आवारा कुत्तों का आतंक, हाई कोर्ट के आदेशों पर भी नहीं दिखा असर। सैन्यधाम में 500 मीटर क्षेत्र के निर्माण पर लगेगी रोक। भट्टा फॉल के नीचे 4.5 घंटे तक सुलगा जंगल। CBI का फर्जी नोटिस भेजकर ठगे 49,000 रुपये, तो देहरादून से खबर रही है। मसूरी में जरूरत से कम मिल रहा है पानी। महिलाओं के बीच पानी भरने को लेकर के विवाद हुआ, तो मसूरी से खबर रही है। किशोरी के अपहरण में 3-3 साल की सजा हुई। गर्मी बढ़ी तो बढ़े डायरिया के मरीज। फर्जी दस्तावेज बनाकर SSB भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। सदमे और रक्तस्राव से हुई थी अनिल की मौत, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। जंगली जानवर ने नोचा था जंगल में मिला शव, तो बरछियों पट्टी के नौखू गांव में अनिल सिंह रावत की मौत सदमा लगने और अत्यधिक रक्तस्राव से हुई थी। उसके शव को जंगली जानवरों ने नोचा है, इस बात की पुष्टि अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। बुधवार दोपहर को अनिल का छद विछद शव झाड़ियों में मिला था। शव का सिर और पैर गायब था।
मोबाइल की घंटी से मिल सका साओ तो उसके मोबाइल पर लगातार कॉल जा रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। बुधवार को उसकी तलाश करते हुए जब ग्रामीण जीआईसी पित्रधार के ठीक नीचे सड़क पर पहुंचे तो उन्हें नीचे खाई में मोबाइल की घंटी सुनाई दी। जैसे ही युवक सड़क के नीचे उतरे तो अनिल का छत बिछत सब मिला। उसके कपड़े फटे थे और एक पैर व सिर गायब था। ग्रामीणों को अंदेशा था कि अनिल को गुलदार ने मार डाला। श्यासु में पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। ढोल दमाऊ की 18 ताल पर नृत्य कर रामायण का मंचन हुआ। तो सलूड़ डुंगरा में आयोजित विश्व धरोहर रामायण में मुखोटा नृत्य